आई अंबेडकर भवन के अंदर चल रहे प्रोग्राम के अंदर एक हमारे बीच में जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, मुस्लिम समाज से ही नहीं उनका हर समाज के अंदर एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा जज्बा है। आइए हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? मैं बलीगुज़्ज़मा नौमानी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी। सर आज ये जो दो दिन से प्रोग्राम चल रहा है यहाँ अंबेडकर भवन के अंदर, इस प्रोग्राम की क्या खासियत रही और ये प्रोग्राम क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए मुझ पर एक मैसेज आया था कि हम लोग कुछ जो लोग आरएसएस वर्सेस कुछ करना चाहते हैं जी। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणवाद, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ करना चाहता है तो यहाँ पर आए और अपना पक्ष रखे जी। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि वो जो आग दिलों में लगी हुई है, यहाँ पे सिर्फ दलित समाज नहीं, उससे प्रताड़ित मुस्लिम समाज भी है। तो कहीं ना कहीं जब समस्या एक है तो मंच शेयर करने में कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आई और मैं यहाँ पर आया और मैंने अपनी भी बात यहाँ पर रखी है। सर क्या कारण है कि आज देश के अंदर इस तरीके की विडंबना चल रही है और देश के अंदर इस तरीके से बहुत ही एक नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं? आप तो काफ़ी समझदार हैं और आपने ये दुनिया को देखा है। देखिए सबसे बड़ी विडंबना जो इस वक्त है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने की तो एजुकेशन देते हैं लेकिन संविधान को समझने की एजुकेशन नहीं दे रहे। वो संविधान जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर इज्जत के साथ खड़ा हूँ, वो संविधान जिसकी वजह से दलित आज पार्लियामेंट में बराबर में बैठने का हकदार हुआ है जी। वो संविधान जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने अपने खुद अपने भाषण में कहा था 45% आने के बावजूद आज वो एक बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पर, उसे समझाने की हमने कोशिश नहीं की है, बस सिर्फ अपने धर्मों में और अपने आडंबरों में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें संविधान को समझना होगा, हमें संविधान के लिए एक पूरी लड़ाई लड़नी होगी। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी हम अगर कोई पैगाम देते हैं तो सिर्फ ये पैगाम देते हैं कि इस मुल्क में अगर आपको लीडरशिप देखनी है तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सोचिए। वो उस वक्त का नेहरू और गांधी से भी बड़ा लीडर था, उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी, सोच की बात थी। वो मुस्लिम माइनॉरिटी, ओबीसी, वीकर सेक्शन, दलित सेक्शन, हर किसी के बारे में सोचते थे, वो सिर्फ एक तबके के बारे में नहीं सोचते थे। शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ पर खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। सर आपकी जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से सिर्फ इस टाइम ये अपील है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मनुवादी शक्तियों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एकजुटता लाएँ, क्योंकि समस्या सबकी एक है, उसके बारे में सोचें कि हम उनके खिलाफ कैसे लड़ना है और अपनी पोजीशंस कैसे हासिल करनी है। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है नौजवान तबके के लिए भी और समझदार तबके के लिए भी। सर अभी कुछ नारे लग रहे थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? सर नारेबाजी से कुछ नहीं होगा साहब, ज़मीनों पर आना पड़ेगा, लोगों के घर जाना पड़ेगा। जिस आरएसएस के हम अगेंस्ट खड़े हैं उनका एक पूरा का पूरा मिशन चल रहा है कि पर डे 1,00,000 लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, हम लोग तो 1,000 तक भी नहीं पहुंचा पा रहे। सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा, लोगों के घरों पे दस्तक देनी पड़ेगी और अपनी बात वहां तक पहुंचानी पड़ेगी।